अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा अलीज़ शाह अपने मुनफरद लिबास के इंतखाबात के बायस खबरों की जीनत बनी रहती हैं, जिसके बायस वो आए दिन पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड चैनल पर सर फहरिस्त ट्रेंड पर हिस्सा बनी रहती हैं। आज भी वो पाकिस्तान के ट्विटर ट्रेंड पैनल पर नंबर वन पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनका अवार्ड शो की तकरीब में काला मगरबी तर्ज का लिबास है। सोशल मीडिया पर कुछ सार्फीन अलीज़ शाह के मगरबी तर्ज के लिबास के इंतखाबात पर तंकीद करते नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अदाकाराएं शोहरत की तलाश में अपनी मासूमियत और अपने लिबास से हाथ धो बैठती हैं। एक सार्फ ने मशवरा दिया कि अलीज़ शाह दुनिया में सना खान बनने की कोशिश कर रही हैं। कुछ सार्फीन इमरान खान की हालिया बीवी से भी इतफाक़ करते हुए नज़र आए हैं। सार्फीन ने कहा है, बेशक वह इमरान खान के बयान से मुतफिक नहीं हैं, इस अवार्ड शो की तकरीब ने इमरान खान के बयान को सही साबित कर दिया। वज़ीर आज़म ने औरतों के मुख्तसर लिबास से मर्दों के जज्बात की भड़क उठने की मुतलिक बयान दिया गया है। अलीज़ शाह के हवाले से सोशल मीडिया सार्फीन का कहना है, एक वक्त में अलीज़ शाह अपनी मासूमियत की वजह से उनकी पसंदीदा अदाकारा, लेकिन अब इन्हें अलीज़ शाह से नफरत महसूस होती है। एक फ़ैन ने यह भी लिखा, मगरिब से मुतासिर ख़वातीन को मगरिब में ही फेंक देना चाहिए। वाजह रहे, लाहौर के मुकामी होटल में हाल ही में मुनक्किद अवार्ड्स की तकरीब में पाकिस्तानी अदाकाराएँ मगरबी तर्ज का लिबास से तंग करने पर तंकीद की जद में हैं। सोशल मीडिया पर अदाकाराओं के इंतखाबात से जहाँ उनके फैंस बहुत सख्त नाराज़ हैं, वहीं कुछ फनकार ने उन्हें तंकीद का हिस्सा बना लिया है और खुलकर इजहार ख्याल किया है। आपको यह अवार्ड शो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। अगर आप अलीज़ा शाह के इस बोल्ड लुक के बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।